हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्ट होती है, जहाँ पे फाई और यूयू घर पहुँचते हैं और आगे शिनरू आई खड़ी होती है, जो कि हिजाई की वाइफ होती है। जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। यूयू उसे मॉम बुलाती है तो फाई को पता चल जाता है कि ये हिजाई की एक्स वाइफ है। तो वो पूछती है फाई से कि तुम कौन हो, जहाँ पे यूयू बताती है कि ये फाई है जिसे मैं और डैड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन फाई कहता है कि आप कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, मैं यूयू का नैनी हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। जिसपे उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और हमें वही सीन दिखाते हैं जो कि एपिसोड 6 के लास्ट पे हमें दिखाया गया था, जहाँ पे एपिसोड एंड हुई थी। जीजा कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो शिनरू कहती है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। और फाई को भी इन्वाइट करती है, लेकिन फाई बहाना मार के वहां से जाने लगता है जीजा को सर बोलकर। जीजा से रोकता है और कहता है तुम वो नहीं हो जिसे यहाँ से जाना चाहिए। शिनरू को पता चल जाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो वो यूजू को सामने खड़ा कर देती है शिचाई के कि हम दोनों खाना खाने वाले हैं, और वो भी इंसिस्ट कर रही होती है। फाई कहता है मुझे लगता है तुम्हें यूजू के साथ खाना खाना चाहिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। लेकिन शिचाई कहता है तुम अपनी माँ के साथ खाना खाओ, मैं और फाई बाहर जा रहे हैं, और वहां से वो उसे लेकर चला जाता है। यूजू और उसकी माँ खाना खा रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं शिचाई और फाई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। जब फाई कुछ बोलने लगता है, लेकिन शिचाई कहता है मैं खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहता और मेरा दिल नहीं कर रहा, तो तुम चुप करके खाना खाओ। खाना खाने के बाद वो काफी गुस्से में चल रहा होता है और एक जगह पे बैठकर पानी की ऐसी तैसी कर रहा होता है, उसमें पत्थर मारकर। जहाँ पे फाई को वो कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। फाई कहता है क्या हुआ है। विजय कहता है तुम पहले मुझे बताओ तुमने मुझे सर क्यों कहा। फाई कहता है क्योंकि तुम मेरे लेक्चरर हो। विजय कहता है मुझे सच्चाई जाननी है, मैं बता सकता हूँ तुमने क्यों नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने मुझे सर क्यों कहा। फाई कहता है मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को पता न चले हमारे रिलेशन का तो ये अच्छा रहेगा। विजय कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाई कहता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता, अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी लाइफ का क्या बनेगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इन सारी चीजों से गुजर चुका हूँ। तुम्हारे पास यूयू है, तुम्हारी जॉब है, सिर्फ हम दोनों को पता चलना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। दूसरे लोगों को बताने की क्या जरूरत है, अगर उन्होंने अप्रूव ना किया हमारा रिलेशनशिप, तुम्हें पता है कितनी ऑकवर्डनेस हो जाएगी स्कूल में। मुझे ऑकवर्डनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें ज्यादा खराब हो सकती है। तुम्हें लोगों को नहीं पता वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जितना ज्यादा पर्सन स्ट्रांग हो वो भी टूट जाता है, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शिचाई कहता है तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। उसके पास आता है और कहता है और इस तरह से तुम अपने आप को बचा रहे हो, सच बात यह है कि तुम ट्रस्ट ही नहीं करते मुझ पे, तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फाई कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन शिचाई कहता है इस एक्सक्यूज को इस्तेमाल मत करो, सच तो ये बात है कि कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। तुम्हारे बारे में ये सोच करके तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते मुझे और हर्ट फील हो रहा है, तुम इस वजह से मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरी शादी हुई हुई थी। फाई सॉरी बोलता है। शिचाई कहता है तुम्हें पता है तुम मुझे किस तरह से फील करवा रहे हो, मुझे लग रहा है मैं एक स्टूपिड हूँ, तुम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा वो सीनियर हूँ जो 3 साल पहले तुम्हें छोड़ के चला गया था, मुझे और उसे मिलाना बंद करो। इस तरह से कहते हुए गुस्सा करके वहां से वो चला जाता है। घर वो आता है जहाँ पे उसकी वाइफ शिनरू कहती है तुम वापस आ गए, और जूजू के बारे में बताती है कि वो सो चुकी है, उसका होमवर्क भी उसने करवा दिया है, लेकिन जीजा कहता है उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब काम कर लेती है। तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो। शिनरू कहती है कि मैं तुम्हें और यूयू को बस मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए कि तुम दोनों ठीक हो के नहीं। जीजा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमने कह दिया और तुम जा सकते हो, लेकिन तभी शिनरू कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस रहना चाहती हूँ, यूयू को एक मॉम की जरूरत है और इस घर को एक औरत की। जीजा कहता है अच्छा तो तुम्हें 4 साल के बाद याद आया हमारे डिवोर्स के कि इस घर को भी एक औरत की जरूरत है, तुम ही वो थी जिसने कहा था कि तुम यूयू का ख्याल नहीं रख सकती और हमें छोड़ के चली गई थी। तुम्हें ये भी लगता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने इस वजह से तुमसे शादी की क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था यूयू की। तुम्हें लगता था मैंने और यूयू ने मिलकर तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दिया है, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूँ। तुमने ये सब कुछ तब कहा था जब हमारी डिवोर्स हुई थी, तुम्हें याद है ना। शिनरू कहती है तुम्हें पता है मुझे कितना संभालना पड़ता था यूयू को, वो बीमार रहती थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, वो रोती रहती थी और मुझे उसको संभालना पड़ता था, और मैं उस पोजीशन में नहीं थी कि मैं उसका ख्याल रख पाऊँ। जीजा कहता है मैं भी कोई डिफरेंट नहीं था, मेरे पास भी 2 जॉब्स थी, मैं वो भी करता था, हॉस्पिटल भी जाता था, तुमने और मैंने एक साथ ये काम संभाले हैं। तो शिनरू बहाना मारती है कि मैं तब बहुत छोटी थी।
यंग थी मैं उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रिजाई कहता है हर कोई अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शिनरू कहती है मैं एक और चांस मांग रही हूँ सिर्फ तुमसे, मैं ये चांस मांग रही हूँ कि मैं इस घर को संभाल सकती हूँ, अब की बार मैं बेहतर करूंगी और मुझे किसी जॉब की जरूरत भी नहीं है, मैं फुल टाइम वाइफ बन के रहूंगी, तो मेरे पर एक बार ट्रस्ट तो करो। रेजा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिग्रेट फील कर रही हो या क्या कर रही हो, बस तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वहां से वो चली जाती है और ये जाए नहाने के बाद खड़ा होता है, सोचता है कि अब तक तो घर भी पहुंच गया होगा। लेकिन हमें दिखाते हैं फाई वही रास्ते में खड़ा होता है और ये जाए की बातें सोच रहा होता है और काफी सैड हुआ खड़ा होता है। हमें दिखाते हैं ये जाए अपनी क्लास को लेक्चर दे रहा होता है और फाई की तरफ देख रहा होता है, लेकिन फाई रिजय की तरफ एक पल के भी नहीं देखता और ये बात जी भी नोटिस करती है। जी और दोनों वापस जा रहे होते हैं क्लास लेकर, जहाँ पे वो बातें कर रही होती है जी, और सामने आ जाता है रिजय जिसे वो इग्नोर करते हुए दूसरी साइड पे चलने लग जाता है। रास्ते में जाते हुए उससे पूछती है क्या बात है, तो वो उसे कहता है कुछ नहीं। जी कहती है कुछ नहीं का मतलब क्या है, जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा तब भी तुम यही कहोगे क्या, बताओ मुझे क्या बात है। फाई कहता है कुछ भी नहीं है, तो जी कहती है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारी मॉम को बताती हूँ कि ये जाए तुम्हें बुली कर रहा है और तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहता है उसने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने उसे हर्ट किया है। हमें दिखाते हैं जी को वो सारी बातें बता देता है, जिस पे जी उसे कहती है अब की बार तुमने बहुत बुरा किया है उसके साथ, अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर ही लेती, और ये सच बात है। तुम भूल गए क्या कि तुम कितने डर चुके थे जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था, और तुम्हें जब पता चला था कि तुम लड़कों को पसंद करते हो तब तुम सिर्फ 14 साल के थे, लेकिन वो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है, और तुम्हें पता है इसके लिए कितनी उसे हिम्मत की जरूरत थी ये बताने के लिए तुम्हें कि वो तुम्हें लाइक करता है और तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। तुमने कभी सोचा है उसे कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी जब उसने तुम्हारी मॉम से बात की होगी, वो अपने एक्शंस को इस्तेमाल कर रहा था बताने के लिए कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, और तुमने उसे रोशनी की तरफ ले आने की बजाय उसे अंधेरे में फेंक दिया। अब की बार तुम गलत हो फाई, और तुमने बहुत गलत किया है। जिस पे फाई को समझ आ जाती है कि उसकी गलती है और वो जीजा की बातें सोच रहा होता है, तभी इधर से शिनरू आती है फाई को कहती है मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। हमें दिखाते हैं वो उसे साइड पे लेके जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता जीजा ने तुम्हें क्यों चूज किया, लेकिन मुझे शाओएन ने सब कुछ बता दिया है, वो मेरा भाई है। मैं तुमसे बस एक फेवर मांगना चाहती हूँ, ये जाए को छोड़ दो, मैं यूजू की मॉम और एक वाइफ बन के वहाँ पे रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना यूजू की एक कंप्लीट फैमिली की जरूरत है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन फाई कहता है मुझे पता है आप उसकी मॉम है और आप उसे मिस करती होंगी, लेकिन आप उसे मिलने के लिए आ सकती हैं, और रही बात जी जाए की तो वो मेरा है, मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। और ये सारी बातें ये जाए सुन लेता है और कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो अडल्ट वाली, उसके जहन पे असर पड़ सकता है। उसके पास आके खड़ा होता है कहता है बस बहुत हुआ शिनरो। शिनरो कहती है मैं बस चाहती हूँ अपने पुराने घर में वापस आना, लेकिन ये जाए कहता है तुमने वो घर पहले ही छोड़ दिया था जब हमारी डिवोर्स हुई थी, और वो तुम्हारा घर अब नहीं रहा, तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। जिसपे वहां से वो चली जाती है और ये जाए फाई को कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा जो अभी तुमने उसे कहा मैं तुम्हारा हूँ, और ये तुम याद रखना किसी को भी अब मुझे अपने आप से जुदा मत करने देना। भाई कहता है तुम मुझसे नाराज नहीं होना, तो उसे दीवार के साथ लगातार कहता है मेरे पास गुस्सा होने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो मैं वो करूंगा। उसके सर पे टैप करता है, भाई सॉरी बोलता है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया उस टाइम पे, रिजाई का साथ नहीं दिया। जिसपे रिजाई उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगता है, लेकिन उसे उसकी मॉम का प्रॉमिस याद आ जाता है। रिजाई कहता है मुझे लगता है तुम्हारी मॉम के साथ मुझे प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे 20 साल होने तक का, और काफी सैड फील कर रहा होता है और कहता है कि तुम इतने ज्यादा क्यूट क्यों हो। जिसपे वो उसे गले लगा लेता है। हमें दिखाते हैं शिनरू जो कि यूयू के स्कूल पहुंच जाती है उसे पिक करने के लिए, और जब वो वहां पे आती है और पूछती है फाई किधर है, वो मुझे पिक करने के लिए आने वाला था, लेकिन वो आगे से कहती है फाई काफी बिजी था तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई हूँ उसने मुझे कहा, उसे वहां से लेके चली जाती है। हमें दिखाते हैं फाई भी वहां पे आया होता है यूयू को लेने के लिए, और वहाँ की लेडी गार्ड से पूछता है तो वो बताती है को तो पहले ही जा चुकी है, जिसपे वो काफी शॉक हो जाता है कि आखिर यूयू कहाँ गई, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे क्या यूयू ने मिलेगी या फिर शिनरू से अपने साथ लेकर कहीं चली जाएगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।